नगर पंचायत भोटा सेल करीब 23 कश्मीरी मजदूरों का चिकित्सकों द्वारा मेडिकल करवाकर उन्हें निजी बस के माध्यम से अपने घर भेजा गया है। बड़सर एसडीएम के माध्यम से इन कश्मीरियों को कर्फ्यू पास वितरित किए गए थे। कश्मीरियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी कि वह अपने घर जा रहे हैं। कश्मीरियों से जब पूछा गया कि आप घर जाने के लिए खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि घर जाने के लिए कौन खुश नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते वह पिछले काफी दिनों से अपने क्वार्टर में ही दुबके हुए थे और अब उनके पास पैसे तक भी नहीं बचे हुए हैं। कश्मीरी मजदूरों ने नगर पंचायत के पूर्व उप प्रधान व पार्षद शरण प्रसाद और व्यापार मंडल के प्रधान सन्नी शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि हमें किसी चीज की तकलीफ उन्होंने नहीं होने दी है और हर पल हमारी मदद की है। बहुत बहुत खुशी है। कितने नुकसान हुआ आपको लॉकडाउन के बाद से? डेढ़ महीना हो गया सर, डेढ़ महीना हो गया। इधर नुकसान तो काफी हो गया। अच्छा अच्छा, नुकसान तो काफी है, फिर भी शुक्र है। मतलब लोकल बंदे ने बहुत साथ दिया, अच्छा किया। लोकल बंदे ने बहुत साथ दिया इधर। अच्छा, हर चीज मतलब किसी चीज का मतलब राशन बहुत मिला है, राशन वाशन सब कुछ मिला, किसी चीज का कोई दिक्कत। घर कब जाते थे वैसे आप? हम जाते हैं मार्च, 5 मार्च तक। अच्छा अच्छा, हाँ। इस बार तो मतलब काफी टाइम हो गया, नुकसान बड़ा हुआ सर, बहुत नुकसान। आप कब आए थे? कमाए थे नवंबर में। नवंबर में जी, तो कमाया कितने कमाई हुई इसमें की लॉकडाउन के बाद से? कितना नुकसान? नुकसान ही हो गया थोड़ा सा, काम नहीं हो रहा, बैठे रहे हम। हाँ जी, काम कहाँ? एक महीना दस दिन हम बैठे रहे। हाँ जी, 20 मार्च तक। हाँ जी, आज हो गया 30 अप्रैल, एक महीना 10 दिन। बोटा लोगों का बहुत शुक्रगुजार है। हाँ जी, यहाँ लोगों ने हमारे से बहुत अच्छा बर्ताव किया जी, जी। राशन का, पानी का सब कुछ पूछ लिया, और जहाँ के जो यहाँ की कमेटी है उन्होंने हमारे से बहुत अच्छा किया जी। और जहाँ के प्रधान है इन्होंने यहाँ वैसे बहुत अच्छा किया। जब भी हम हॉस्पिटल में गए हमें दवाई मिलती थी जी, जी। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं पूछता। हम हिमाचल सरकार के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे हिमाचल के लोग, अगर सब लोग ऐसा होगा पूरे देश ऐसा होगा, देश तरक्की करेगा। लेकिन कमाई जो थी, लेकिन वो जो आया तो वो गया खाने पीने में, तो शुक्र मालिक का जान बच गया जी, जी। कमाई फिर आएगी, बस हिमाचल के बहुत धन्यवाद। ठीक। वहीं इस बारे में नायब तहसीलदार रमेश चंद का कहना है कि कल रात करीब 28 कश्मीरियों को अपने घर भेजा गया है। ये सभी कश्मीरी वाड्रा के रहने वाले हैं, इन्हें लखनपुर बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा। बस में 24 लोग जा रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। और 4 लोग इससे पहले भी भेजे गए। हाँ जी, लेकिन वो टाटा सुमो में गए, जिसका नंबर है HP01H18। और इसमें जो भोटा से जो लोग जा रहे हैं वो बाड़ा के हैं, लखनपुर छोड़ेंगे। ये जो व्हीकल नंबर है इसका HP69A7521 है। हाँ जी, तो इन सब लोगों के जो हैं वो मेडिकल किए गए और इसके बाद ही इनको बस में बिठाया जा रहा है, ताकि ये अपने स्टेट के लिए शांतिपूर्वक ढंग से जाएं। सभी की अप्रूवल जो है माननीय जिला दंडाधिकारी हमीरपुर की तरफ से हुई है। इसके बाद माननीय SDM बड़सर द्वारा इनको कर्फ्यू पास दिया गया है, जो इन सबको दे दिया गया है। इसके बाद इनका मेडिकल का भी जो सर्टिफिकेट है डॉक्टर साहिबान द्वारा जारी किया गया, वो भी दिया गया है। इसके पश्चात इनको अब भेजा जा रहा है, तो यही कामना की जाती है। कल कितने और कार कितने और जाएंगे? अगले कल के लिए 23 लोगों की लिस्ट और अप्रूव्ड हुई है, इनको कल भेजा जाएगा। तो आज तो केवल 4 लोग और ये 24 लोग भेजे गए। इनके अलावा एक ये जो टैक्सी का ड्राइवर था, इसका अलग से पास है, अलग से मेडिकल हुआ है। इसी प्रकार बस के साथ कंडक्टर और ड्राइवर जा रहे हैं, इनका भी मेडिकल हुआ है, इनको भी पास जारी किया गया है। धन्यवाद।